गर्लफ्रेंड किसे कहते हैं? गर्लफ्रेंड एक ऐसी प्राणी है जिसे सिर्फ अमीर लड़का ही अफोर्ड कर सकता है। चलो दूसरा सवाल पूछती हूँ। पूछिए मैडम जी। पत्नी किसे कहते हैं? मैडम जी, ससुर की बेटी को पत्नी कहते हैं। पत्नी एक ऐसी प्राणी है जिसके सिर्फ घूरने मात्र से टिंडे की सब्जी में भी पनीर का स्वाद आ जाता है। पत्नी के आते ही पति बेचारा कई कलाओं में परिपूर्ण हो जाता है, जैसे बर्तन धोना, कपड़ा धोना, खाना बनाना इत्यादि। पति बेचारा दिन रात बैल की तरह मेहनत करके एक एक रुपया इकट्ठा करता है और पत्नी पाउडर, लिपस्टिक इत्यादि में पैसा खर्चा करके पति को कंगाल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। पत्नी जब अपने पति के पास जब कभी भी किसी प्रकार का इच्छा जताती है और उस इच्छा को पतिदेव पूरा नहीं कर पाता है, तब उसके लिए काफी खतरनाक परिस्थिति पैदा हो जाता है और इस परिस्थिति से कभी कभी पति बेचारा बाहर भी नहीं निकल पाता है, अंततः वह पागल भी हो जाता है। पत्नी इच्छाधारी नागिन की तरह होती है और वो अपने पति को अपनी इच्छा के अनुसार काम करने के लिए मजबूर कर देती है। अतः हम कह सकते हैं कि पति को पागल करने का सभी गुण जिस औरत में मौजूद हो उसे हम पत्नी कहते हैं। तो हे गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। तो फाइनली आज जो देख रहे हैं एक चमचमाती हुई व्हाइट शर्ट, तो समझ ही गए होंगे कहीं निकल रहा, वैसे थंबनेल देख के तो पता चल ही गया। तो आज फाइनली हम लोग जा रहे हैं भीमपुर फाड़ी। जी हाँ, भीमपुर फाड़ी से लगभग 500 मीटर दूरी पे हैं रियल रोशन भैया का घर। हम लोग दो बार मिल चुके हैं लेकिन तब तक हम ब्लॉग से स्टार्ट भी नहीं किए थे। इस बार हम लोग का तीसरा मीटअप है, इस बार जो हम लोग मिल रहे हैं और ब्लॉग के साथ मिल रहे हैं, इस बार फुल्ली रियल रोशन भैया से बात करेंगे, बातचीत करेंगे। हम लोग दो बार मिल चुके हैं, उसका वीडियो भी दिखाएंगे। हम लोग एक बार मिले थे, रील्स भी शूट किए थे। तो फाइनली आज हम लोग ज़्यादा समय आप लोग का नहीं लेंगे। अभी जो फिलहाल हम खड़े हैं, आप लोग देख रहे हैं ट्रक व्रक आ रहा, तो ये है NH57। फिलहाल हम लोग नरपतगंज में खड़े हैं। नरपतगंज से बस थोड़ा ही दूरी है भीमपुर फाड़ी। हम लोग पहुँच रहे हैं भीमपुर फाड़ी, वहाँ से 500 मीटर दूरी पर रियल रोशन भैया का घर। हम लोग पहुँचते हैं रियल रोशन भैया का घर, फिर आप लोग को फुल्ली इस ब्लॉग से मस्ती करेंगे, इंटरटेनमेंट कराएंगे और साथ में धमाल दिखाएंगे। तो चलिए फाइनली ये देख रहे हैं चमचमाती हुई मेरा थार। जी हाँ, मेरे लिए तो ये मेरा थार ही है। हम लोग थार को रेडी कर दिए हैं और हम लोग जा रहे हैं थार से सीधा। अरे थार ही है भैया, क्योंकि अंकल जी देख रहे हैं कि थार सही में थार है कि नहीं। तो फाइनली मोटरसाइकिल है, मेरे लिए तो मेरा थार ही है। अब हम लोग निकलते हैं, ज़्यादा समय आप लोग का नहीं लेंगे। तो फाइनली निकलते हैं, स्टार्ट मारते हैं थार में और सीधा निकलते हैं भीमपुर फाड़ी। हम लोग पहुंच चुके हैं भीमपुर फाड़ी। वो जो देख रहे हैं ओवर ब्रिज, वो ओवर ब्रिज जो है वो है भीमपुर फाड़ी। वो वहाँ अगर आप लोग बस से आइएगा तो बस वहीं पर रुकेगा और वहाँ से सीधा, यहाँ देख रहे हैं ये रोड जो गया है सीधा, उससे मतलब कि थोड़ा 100 मीटर आगे आइएगा पूरब की साइड, भीमपुर फाड़ी से पूरब की साइड आइएगा 100 मीटर तो ये आपको रोड मिलेगा और ये सीधा गया है राइट साइड। और यहाँ से भी 100 मीटर, यहाँ से 100 मीटर पर मात्र 100 मीटर की दूरी पर ही है रियल दर्शन भैया का। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी लेट हो गया। हम लोग पकड़ते हैं, अभी सुबह है, मॉर्निंग है, 7:30 बज रहा। हम लोग मॉर्निंग में पकड़ लेंगे क्योंकि मॉर्निंग में लगभग मिल जाते हैं बड़े बड़े क्रिएटर। तो चलिए फाइनली हम लोग निकलते हैं और इसी रोड के माध्यम से हम लोग पहुँचते हैं रियल रोशन भैया का। तो चलिए अब हम लोग फाइनली डायरेक्ट आप लोग को कैमरा के सामने लाते हैं रियल रोशन भैया। तो फाइनली जैसे कि आप लोग को बोले थे, आज हम मिलाने वाले हैं रियल रोशन भैया से। हम लोग दो बार मिल चुके थे और तीसरा बार जो ला रहे हैं फाइनली ब्लैक कोबरा से नहीं मिल पाए, तो एक बार जो है ब्लैक कोबरा के साथ साथ रियल रोशन भैया दोनों आज मिले। तो दिखाते हैं आपको रियल रोशन भैया जी। तो फाइनली रियल रोशन भैया, मेरा न्यू ब्लॉग्स में आपको स्वागत है। थैंक यू। और है गाइज, कैसे आप लोग? और ये भाई का चैनल है तो प्लीज़ आप लोग भाई को सपोर्ट करिए। और इधर और यही है ब्लैक कोबरा, जो इनका एक काफ़ी वीडियो वायरल हुआ था जो कौन छोड़ी याद कर कही रहे, हम वही वीडियो देखे तब से इनसे मिलना चाहते थे। तो फाइनली बोलिए ब्लैक कोबरा जी, क्या बोलना चाहते हैं? चाहिए लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
और रियल रोशन भैया एक और कोई भी एक डायलॉग आप बोलिए। वो आपका बैड वायरल बहुत ज्यादा हुआ था मैडम जी, लव किसे कहते हैं एक बार बोल दीजिए भैया। लव किसे कहते हैं? लव किसे कहते हैं ये तो मतलब नहीं दिया है, लेकिन ऐसे अगर फनी वे में बता दिया जाए मतलब जो है लड़कों को कंगाल कर देने वाली। अब ऐसे क्या मतलब बताएं, मतलब एक वीडियो आपका वायरल हुआ था काफी तेजी से। गर्लफ्रेंड किसे कहते हैं? वही गर्लफ्रेंड किसे कहते हैं? गर्लफ्रेंड एक ऐसी परानी है जिसे सिर्फ अमीर लड़का ही अफोर्ड कर सकता है। तो इस टाइप का था, बहुत बड़ा डिफिनेशन था। थोड़ा थोड़ा हो जाए, थोड़ा सा बस थोड़ा। अरे भाई अभी याद नहीं है उतना। तो ठीक है भैया, फाइनली शूट पे जा रहे हैं, मतलब बहुत रेडी था वो तो भाग मेरा ठीक था कि हम लोग सुबह पकड़ लिए भैया को। और क्या कहते हैं अभी जो है बड़ा फास्ट में है और निकल रहे थे शूट पे, हम लोग रेडी हैं और भाई आ गए तो फटाक से एक ब्लॉग होगा। कभी मिल के एकदम प्रॉपर ब्लॉग बनाएंगे इनके चैनल के लिए, प्रॉपर एक इंटरव्यू ले लेना भाई। और अभी लेकिन हम निकलेंगे तो प्लीज अभी के लिए माफी चाहते हैं। चलिए तो इतना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया का। भैया देखते हैं भैया के यही प्यार, इसलिए हम लोग दो बार नहीं इस बार तीन बार मिल चुके हैं भैया से। भैया जब भी आते हैं तो भैया टाइम देते हैं, तो आज तो बहुत ज़्यादा फास्ट लाते क्योंकि उनका पूरा टीम जो है वो रेडी है, तो अकेले इनकी वजह से अभी तो शूट रुक जाएगा, तो इसलिए भैया जा रहे हैं। थोड़ा दूर का सफ़र है, फिर हम लोग मिलेंगे किसी नए चेहरे के साथ न्यू ब्लॉग्स में। तो चलिए तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।